with my gut. When you see me, you better run. सो हेलो गाइस, वन सेकंड, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड अभी हम लोग रेस करने वाले इस लड़के से, इसका वाइजर भी टूटा हुआ, हेलमेट, इसलिए बोलते हैं सस्ता चीज़ मत खरीदा करो, महंगा चीज़ खरीदो। चल निकल निकल निकल। तो चलो आज देख लेते हैं आरएस में कितना पावर है। और ये अपनी V3 पे रहेगा, और ये बेचारा थोड़ा बहुत अभी स्टॉपी वगैरह सीखा तो स्टॉपी भी करेगा, बट आराम से, बिल्कुल सेफ एंड साउंड, सब कुछ देखते हुए आराम से करना। तो हाँ, NS तो अलग ही सेगमेंट में चलेगी, क्योंकि 160, अगर 200 होती ना भाई तो तुम्हारी ना RS की तो कह के लेती। अब नहीं कर सकती है, नहीं कर सकती है, नहीं करती। तो तुम्हारे तो अभी हम ही ले लेंगे। चलो 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 फिर भगाई जाए। एंड देखते हैं यार क्या होने वाला है, आज का वीडियो कैसा होने वाला है। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा, इन्जॉय करोगे वीडियो। सो लेट्स गो। फिलहाल अभी हम लोग हैं अटल पथ पे, दिस इज़ द आर ब्लॉक साइड, जहाँ से अटल पथ स्टार्ट होती है। और सामने देख सकते हो इंडिगो का फ्लाइट लैंड होता हुआ, क्योंकि बिल्कुल एयरपोर्ट एकदम पास में यहाँ से। और ना एकदम ये रील बनाने का स्पॉट हो गया। ये लग गई रोलिंग स्टॉपी भाई। फिर से एक और, खतरनाक भाई। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। धमाकेदार स्टॉपीज भाई। साथ में डस्ट भी है। दिस इज जस्ट फॉर फन, एंड बस वीडियो को एंजॉय करो, एंड डोंट ट्राई टू कॉपी दिस। भाई 100 से ऊपर है यार, और ये ड्रिफ्ट मार रहा बीस पे ड्रिफ्ट भाई। ये हर्ष भी आ गया अपनी NS पे। पब्लिक जो रोड पे क्रॉस करते हैं भाई, इनका सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो अभी हम लोग यहाँ से लेंगे बैक
ऑन द सेम पथ, मतलब फिर से अटल पथ पर आने वाले यू टर्न लेकर, और उसके बाद ना अब टॉप एंड टॉप एंड भगाई जाएगी। तो अभी साथ में V3 है जिसके साथ हम लोग अभी टॉप एंड भी करेंगे, एंड RS भी आ ही चुका पीछे। एक्चुअली अभी थोड़ा स्टॉप भी स्टंट वगैरह मतलब ड्रिफ्ट एंड ऑल ये सब हो रहा था। सो गाइस आई रिकमेंड दैट प्लीज डोंट ट्राई टू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, जस्ट एंजॉय द वीडियो, हैव फन, दिस इज जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। मैं हमेशा बोल रहा वीडियो में प्लीज डोंट ट्राई टू कॉपी दीज थिंग्स। तो चलो चलते हैं एंड भगाई जाए टॉप एंड, थोड़ा पता चले कि भाई किस में कितनी पावर है। ऑल दो मेरी बाइक में लगी पड़ी एग्जॉस्ट तो टॉप एंड थोड़ा कम जा रही है, बट फिर भी यार भगाने का मन तो कर ही रहा है। और चलो आने दो भाई आज़म को, फिर भगाते हैं। बहुत ही धमाकेदार भाई साहब, नेल्ड इट मैन, क्या हुआ ब्रो, क्या हुआ भाई, कितनी कैप बनी, कितनी कैप बनी, लेकिन कितनी गई टॉप, 150 टच कर गई, 149 150। चलो कौन से घर पे, मज़ा आ गया भाई लिटरली यार, मतलब बहुत ही धमाकेदार, अनएक्सपेक्टेड था, मतलब मुझे नहीं लगा था कि भाई मेरी बाइक अभी यहाँ पे 150 टच करेगी, क्योंकि इसमें एग्जॉस्ट लगी पड़ी, मैंने पहले ही बता चुका है। तो एग्जॉस्ट के साथ बाइक इतनी जा रही है, ऑब्वियस मैंने स्लिप स्ट्रीम लिया था, बट स्टिल बाइक की परफॉर्मेंस बहुत ही अमेजिंग है। और भाई दोनों में पावर डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, एंड इनफैक्ट CC की भी डिफरेंस है, ये 155 CC इंजन है, वो 200 CC की इंजन है। तो भाई आजम का पूछते क्या हाल है, कैसा लगा भाई हार के, देखो हार के कैसा लगा, टॉप में तो निकलना, हार के कैसा फील हुआ, पहले ये बताओ, पहले ये बताओ हार के कैसा फील हुआ, वो तो टॉप स्पीड में, हार के कैसा फील हुआ, हार के कैसा फील होगा अभी बेचारा एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला था, नहीं भाई आ जाओ देख लेंगे। अरे नहीं, एक चीज और नोटिस किया, ये तो पता RS का जो, अगर इसमें स्टॉक एग्जॉस्ट रहती ना बाइक और जाती, और जाती, लेकिन स्लिप स्ट्रीम के बाद डेड हो जाती है, ये तो है कि, तो मैंने तो बोला स्लिप स्ट्रीम के साथ ही भागेगी बाइक स्लिप स्ट्रीम के बाद, लेकिन
यहाँ पे ये तो जो था कि 49 तक तो कट नहीं सकती है। हाँ 145 के बाद मैंने ओवरटेक किया था। वो तो वही तो बोल रहे हैं 49 वो थी। हाँ 145 के ऊपर तुम जब गए। हाँ 145 के बाद मैंने ओवरटेक किया, ऑब्वियसली बात है। लेकिन टॉप एंड में भाई दिस इज बीस्ट। लेकिन लास्ट टाइम जब हम लोग किए थे तो भाई ये इसको पकड़ नहीं पा रहे थे लास्ट वीडियो में, इसका वेट के वजह से इसका नहीं खींच पा रहा। अदरवाइज अगर तुम V3 चलाओगे ना तो V3 भाई कोई नहीं, 155 जाएगा इनके जाने पे। मेरे वन हम तुमको एक और रेस करने के लिए बोलेंगे। ठीक है बता बता। डबल तुम भी रहोगे, डबल हम भी रहेंगे। पिलियन पिलियन ठीक है कर लेंगे, कोई नहीं। कि उसमें क्या आता देखो है? वहाँ पे तो सीसी मैटर करेगा ही करेगा, पावर मैटर करेगा, बट फिर भी कर लेंगे ठीक है। और अभी आपने देखा मतलब अगर ये बाइक, ये बाइक अगर स्टॉक रहती ना, मतलब स्टॉक एग्जॉस्ट रहता, 156 मैंने इसे टच कराया, तो वो भी वीडियो आपको आगे कुछ दिनों में देखने को मिल जाएगा। हाँ तो बस आज की वीडियो बस इतना ही रखते, शॉर्ट एंड सिंपल। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल पे, एंड जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। जैसे V4 वर्सेस RS हमने कर दिया, और भी ऐसे ऐसे बाइक्स का हम लोग करेंगे कंपैरिजन। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, बाय बाय गाइस एंड राइड सेफ।